वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। दरअसल बॉलीवुड के स्टार जॉन अब्राहम ने हाल ही में फिल्म को मिल रही रिव्यू को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने फिल्म रिव्यू को जोक बताया है। साथ ही जॉन अब्राहम ने यह भी कहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वो लोग उन्हें खाना नहीं खिलाते। दरअसल वो सत्यमेव जयते को लेकर बात कर रहे थे और फिल्म रिव्यू को लेकर बोल रहे थे। गौरतलब है कि रिलीज़ के बाद सत्यमेव जयते को मिक्स रिव्यू मिले थे, जहां जॉन ने कहा था कि सत्यमेव जयते एक स्मार्ट फिल्म थी। कट, जहां जॉन ने कहा कि सत्यमेव जयते एक स्मार्ट फिल्म थी और मुझे उन क्रिटिक्स से फ़र्क नहीं पड़ता है जिनको यह पसंद नहीं आई थी। मैं कभी भी इन रिव्यू पर ध्यान नहीं देता क्योंकि यह पूरी तरह से मजाक बनकर रह गए हैं। हमें क्रिटिसाइज़ करने वाले हमें रोटी नहीं खिलाते। जॉन अब्राहम का यह बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और उनको फैंस का समर्थन इस बात पर मिल रहा है। अभिनेता की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है और सोशल मीडिया पर उनको प्यार मिलता रहता है। वर्क फ्रंट की बात करें तो इस समय फिल्म सत्यमेव जयते 2 को लेकर अभिनेता काफ़ी चर्चा में हैं, जो कि ईद पर आ रही है। सलमान खान की फिल्म राधे से ईद पर क्लैश करने वाली सत्यमेव जयते हर तरह से तैयार है और यह एक बड़ी भिड़ंत होगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।